Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. इस्लाम में भी है कालिका अवतार की चौंकाने वाली भविष्यवाणी। आप सभी ने तो कालिका अवतार के बारे में पढ़ा या सुना ही होगा। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत में धरती पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु कालिका के रूप में अवतरित होंगे। लेकिन क्या आपको यह पता है कि ठीक ऐसा ही अवतार की भविष्यवाणी इस्लामिक धर्म ग्रंथों में भी किया गया है। इस्लामिक धर्म ग्रंथों की माने तो दुनिया खत्म होने से पहले एक ऐसे शख्स की पैदाइश होगी जो नापाक हरकतों को ख़त्म करेगा और उसका नाम होगा मेहंदी अलैहिस्सलाम। हैरानी की बात यह है कि कालिका अवतार की ही तरह मेहंदी के बारे में भी बताया गया है, जो दोनों में समानताएं दर्शाता है। कालिका और मेहंदी दोनों के बारे में यह माना जाता है कि यह तब प्रकट होंगी जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, दुनिया में अच्छाई खत्म होने लगेगी और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। कलयुग के अंत में जब चारों तरफ बुराई अपना पांव फैला चुकी होगी, तब वो बुराई को समाप्त करने के लिए अच्छाई के दूत बनकर आएंगे। इस भविष्यवाणी में कालिका की तरह ही मेहंदी के भी प्रकट होने के स्थान के बारे में बताया गया है। जैसे कालिका के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म भारत के किसी गांव में होगा, ठीक उसी प्रकार मेहंदी के बारे में भी कहा जाता है कि वह पूर्व दिशा से आएंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत अरब के पूर्व में स्थित है, इसीलिए कहा जा सकता है कि वह भारतीय उपमहाद्वीप में ही कहीं पैदा होंगे। दोनों के बारे में एक और बात है जो एक समान बताई गई है और वो है सफ़ेद घोड़ा। कहा जाता है कि कालिका की तरह ही मेहंदी भी सफ़ेद घोड़े की सवारी करेंगे। वो घोड़ा बेहद शानदार, बिजली जैसी हरकत वाला और हवा से बातें करने वाला होगा। भविष्यवाणी में कालिका की तरह ही मेहंदी के पास भी दो तलवारें होने का जिक्र भी है। कहा जाता है कि मेहंदी के दोनों हाथों में तलवारें होंगी। इन्हीं तलवारों की मदद से वह दुनिया से बुराई का सर्वनाश करेगा। इस्लाम में ऐसा कहा जाता है कि मेहंदी अली सलाम के पास हजरत सुलेमान की चमत्कारी अंगूठी होगी। ऐसी ही बात भगवान कालिका के बारे में प्रचलित है कि वो कौस्तुम में मणि धारण करेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार जब कालिका अवतार लेंगे उस समय इंसान का कद बेहद छोटा होगा, यानी मनुष्य बौना हो जाएगा। इसी तरह इस्लाम में भविष्यवाणी है कि उस समय इंसान की उम्र 7 साल की रह जाएगी। पाठकों, सच क्या है ये तो भविष्यवाणी की गहराई में अभी छिपा हुआ है, लेकिन ये भी एक सच है कि कलयुग के अंत होने में अभी बहुत समय बाकी है। हम और हमारी कई पीढ़ियां इन अवतारों के होने से पहले धरती से चली जाएंगी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.